अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है तो इन पांच चीजों का खास ध्यान रखिए। नंबर एक, थर्मामीटर से फीवर को कंफर्म कीजिए। बहुत बार एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण या फिर डिहाइड्रेशन के कारण हमें बच्चे का सिर का भाग और हाथ पांव गर्म लग सकते हैं, लेकिन थर्मामीटर से बच्चे के फीवर को चेक करना और कंफर्म करना बहुत जरूरी है। चेक करने पर अगर बच्चे का टेम्परेचर 99 के ऊपर आता है तो ही बच्चे को फीवर की मेडिसिन देना है। नंबर टू, मेडिसिन। बच्चे को अगर फीवर आता है तो आप उसको पैरासिटामोल दे सकते हैं। पैरासिटामोल का डोज आप अपने डॉक्टर से पूछकर उसको दे सकते हैं। अगर बच्चे को बार बार फीवर आ रहा है तो दो बार अगर आप पैरासिटामोल दे रहे हैं तो उसके बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप आपको रखना है। नंबर तीन, स्पॉन्जिंग। अगर पैरासिटामोल देने के बाद भी अगर बच्चे का फीवर नहीं उतर रहा है तो उसको आप पानी की पट्टी कर सकते हैं। इसमें दो चीज ध्यान रखिए कि पानी जो है ठंडा ना हो, सादे पानी की पट्टी करना है, और पानी की पट्टी जो है वो सिर्फ सिर पे नहीं रखना है, उससे पूरे शरीर को पोंछना है। नंबर चार, क्लोथ्स। अगर बच्चे को फीवर है, अगर आपने उसको स्वेटर, मोजे, टोपी सब पहना के रखा है तो उसका फीवर कम नहीं होगा, इसलिए जरूरी है कि बच्चे को आप पतले कॉटन के कपड़े पहनाएं। और पांच, रूम एनवायरमेंट। बच्चे को अगर फीवर है तो एसी और पंखे बंद करने की जरूरत नहीं है, उसे आप चालू रख सकते हैं। खाली इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। और लास्ट है डाइट। अगर बच्चे को बुखार है तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, ऐसे वक्त में जरूरी है कि आप उसका लिक्विड इंटेक अच्छा रखें। बच्चे को आप सादा पानी, नारियल पानी, ORS का पानी पिला सकते हो, और जितना हो सके फ्रूट्स खिला सकते हो।